एक ऐसा देश है जहां अनेक देवी देवताओं ने मनुष्य के कल्याण हेतु अपने अनेक रूपों के दर्शन दिए हैं। भारतीय लोगों ने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया है। इसका प्रमाण ये है कि भारतीय जनता व्यापार, विवाह, गृह निर्माण आदि कल्याण कार्य हेतु देवी देवताओं की शरण में आती है। आपको ले चलते हैं कर्नाटक के बेलगांव से सटे सुलेभावी नगर में। यहाँ पर माता महालक्ष्मी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका संपूर्ण नाम महालक्ष्मी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ दानवों ने बहुत ही अत्याचार किए थे तथा यहाँ की सब वस्तुओं को नष्ट कर दिया था, जिससे मानव जीवन संकट में पड़ गया था। तब वहाँ के साधु संतों ने माता का स्मरण किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ॐ 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 श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। माता अपने भक्तों को संकट में कैसे देख सकती थी, इसलिए माता लक्ष्मी अपने भक्तों के कल्याण हेतु अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुई तथा माता ने उन दानवों का संहार किया।
भक्तों के आग्रह तथा मानव जाति के कल्याण के लिए माता यही विराजमान हो गई। इसके पश्चात सुलेभावी के नागरिकों ने यहाँ माता के मंदिर की नींव रखी। समय बीतता गया, उसके बाद आया राजाओं का काल। ये मंदिर धन संपत्ति से परिपूर्ण था, परंतु मुगलों ने इस मंदिर को कई बार लूटा तथा मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने मुगलों को इसका दंड दिया और इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर में अनेक रंगों का संगम है, जिससे मंदिर का दृश्य और भी अद्भुत प्रतीत होता है। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर स्थित गुंबद मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इस मंदिर में आपको दक्षिण भारतीय कला देखने को मिलती है। मंदिर के प्रमुख द्वार पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ अपने विशाल रूप में शेषनाग पर विराजमान हैं। तथा उनके साथ साथ ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी अंकित की गई हैं। मंदिर के चारों ओर अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित की गई हैं। इनके साथ साथ देवों के देव महादेव भगवान शंकर तथा उनके सेवक नंदी भी उपस्थित हैं। यहाँ पर माता अपने 9 रूपों के साथ विराजमान हैं। यहाँ सूर्य देव प्रातः ही अपनी किरणों से मंदिर को चकाचौंध कर देते हैं तथा शाम होते होते माता के चरणों को स्पर्श करते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की दीवारों पर हाथियों तथा उनके महावतों का भी समूह है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथी और उनके महावत माता की सेना के रूप में उपस्थित हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी अद्भुत है। माता की आरती के लिए यहाँ पर घंटियाँ तथा नगाड़े रखे गए हैं।
माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक खंभों पर बड़ी संख्या में मुद्राओं को अंकित किया गया है। लक्ष्मी को कमल बहुत ही प्रिय है, इसके कारण मंदिर के बाहर कमल बड़ी मात्रा में नजर आते हैं और श्रद्धालु उन्हें खरीद कर माता के चरणों में अर्पित करते हैं। मैया जय लक्ष्मी माता, यहाँ पर मंदिर के पुजारियों के रहने की व्यवस्था भी की गई है, जिसके कारण मंदिर के पुजारी चारों पहर मंदिर में उपस्थित रह सकते हैं। माता की तीन समय आरती होती है, जिसमें शाम की आरती बहुत ही धूमधाम से की जाती है। शाम के समय आरती का लाभ लेने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। माता अपने अनेक रूपों में विराजमान है। यहाँ पर माता की मूर्ति की अपनी अलग विशिष्टताएं हैं। माता के नौ हाथों में नौ अलग अलग शस्त्रों को दर्शाया गया है।
लक्ष्मी माता का मुकुट सोने से बनाया गया है तथा माता के हाथ तथा चरण चांदी से बनवाए गए हैं। इस मंदिर में माता का प्रतिदिन संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जिसमें चूड़ी, साड़ी, सिंदूर आदि गहनों का समावेश होता है। भक्तों की सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें माता अवश्य पूरी करती हैं। इसी मनोकामना के साथ हम माता के चरणों में नमन करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।